हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजे फिल्मी नज़ारा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुलायम सिंह यादव के जीवन पर बनी फिल्म के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जीवन पर बनी फिल्म मैं मुलायम सिंह यादव यूपी के सिनेमा हॉल में 29 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म के निर्माता मीना सेठी मंडल ने बताया कि बाद में फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने की योजना है। मीना ने कहा कि जल्दी फिल्म का विशेष शो मुलायम सिंह यादव के आवास पर प्रसिद्ध किया जाएगा। इसे खुद सपा संरक्षक फिल्म को देख सकेंगे। सपा कार्यकर्ताओं के लिए इसका विशेष शो आयोजित किया जाएगा। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता अमित सेठी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की हाव भाव, उनकी चलने की स्टाइल, उनके बोलने की शैली को कॉपी करना आसान नहीं था। इसे समझने और सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मुलायम सिंह से जुड़े तमाम वीडियो देखने पड़े। फिल्म में मुलायम सिंह के अलावा दमदार किरदार उनके भाई शिवपाल यादव का है। शिवपाल का रोल मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिहोम चक्रवर्ती ने निभाया है। प्रकाश बल बेटे ने राम मनोहर लियो और गोविंदा नामदेव ने चौधरी चरण का रोल निभाया है। अभिनेत्री जरीना वहम ने मुलायम सिंह की माँ और अनुपम श्याम ने पिता का रोल निभाया है। तोशी और शरीफ ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया है और सलीम शेख ने गीत के बोले लिखे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।